और बेटा अब कैसी तबीयत है? मम्मी अब तबीयत ठीक नहीं रहती, अब तो लगता है मुझे वहाँ आना ही पड़ेगा। मैं तो तुझसे है ना पिछले महीने से कह रही हूँ कि आ जा यहाँ पर तू है कि मेरी सुनती ही नहीं है। मम्मी ये भी मेरी परेशानी देख के कह रहे थे, तो चली जा मम्मी के पास, कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। तभी कह रही हूँ बेटा आ जा यहाँ। ठीक है मम्मी, कल तक आऊँगी, मुझे पैकिंग भी तो करनी है ना। ठीक है बेटा। अच्छा दीदी का फोन था? हाँ सब ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है उनकी? तबीयत तो उसकी ऐसी है, आखिर 8वां महीना पूरा होने को है। हाँ मम्मी ये टाइम निकालना कितना भारी होता है, मुझे तो अपना टाइम याद आते ही ना रोंगटे से खड़े हो जाते हैं मेरे तो। अब भी वो बेचारी अकेली वहाँ दुखी हो रही थी, मैंने उसको यहीं बुला लिया। मैंने कह दिया उसको कि बच्चा जब 1-1.5 महीने का हो जाएगा तभी भेजूंगी तुझे। अब क्या, जब तक दीदी यहीं रहेंगी? मम्मी मेरा कहने का मतलब था, अच्छा हुआ आपने है ना उनको यहीं बुला लिया। हे भगवान, अब तो 3-4 महीने नहीं रहेंगी। नो जी रानी मैडम, अब तो कमर कसनी पड़ेगी, अब लगना पड़ेगा काम में। अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं और तेरी भाभी है ना हम दोनों संभाल लेंगे, तू बस अब आराम कर। मम्मी मेरा ना प्रोटीन पाउडर ख़त्म होने वाला है, तो आप कह देना भैया से फ़ोन करके, वो ला देंगे। लो जी होगी शुरुआत खर्चों की। कुछ कहा भाभी आपने? नहीं दीदी मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। और बहू अब है ना मैं बाजार तक जा रही हूँ, सब्जी भी ले आऊँगी और इसके लिए कुछ फ्रूट्स भी ले आऊँगी। ठीक है मम्मी जी। अभी खाना बन गया हो तो लगा दो। हाँ दीदी बन गया, अभी लेके आती हूँ। भाभी वो जरा मम्मी की अलमारी में से मेरे कपड़े निकाल के दे दो, मम्मी ने ना वो नीचे वाली सेल्फ में रख दिए, मुझसे झुका नहीं जाता। ठीक है लाती हूँ अभी। पानी तो खत्म हो गया। भाभी एक गिलास पानी दे दो। क्या है दीदी? भाभी एक गिलास पानी दे दो, मुझे दवाई लेनी है। दीदी पानी भी नहीं ले सकती आप? दीदी खाली बैठे के भी ना हद होती है, सारा दिन थकती नहीं हो पड़े पड़े इस बिस्तर पे। ये तो है नहीं कि थोड़ा बहुत काम में मदद करवा दूं मेरी, कभी ये दे दो कभी वो दे दो, किसी काम में तो हाथ लगाने से रही मेरी छाती पर आके बैठ गई हो। भाभी आप ऐसे क्यों कह रही हो, मेरी हालत तो देखो, मेरी हालत है कोई काम करवाने की? दीदी मुझे मत बताओ, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ और ये टाइम है ना मुझ पर भी आया है, मुझे पता है इसमें कैसी हालत होती है और कैसी नहीं। भाभी आपको अपने टाइम की याद है, पर आप ये भूल गई कि मैंने आपको पूरे टाइम तक कुछ काम नहीं करने दिया, मैंने आपकी कितनी हेल्प की थी और आप मुझसे 3-4 दिनों में ही परेशान हो गई। अरे हाँ ये मैं कैसे भूल गई, मम्मी जी ने और दीदी ने मेरा कितना साथ दिया था, मेरी कितनी केयर की थी। दीदी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपना टाइम भूल गई थी। अब से मैं आपका पूरा पूरा ध्यान रखूंगी और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी।